नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है। हफ्ते क्लोज होने को है, कमोडिटी बाजार क्लोज होने को है। कल को आखिरी दिन रह जाएगा कारोबारी सप्ताह का कमोडिटी बाजार का। तो पहले से ही जान लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में कहां पर कितने कमाई के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, हमने कॉटन को रिसेंटली ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखा है। एमसीएक्स पर 50,000 का आंकड़ा कॉटन अच्छा खासा पार कर चुकी है। दूसरा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी मीटिंग रखी थी कि जो कॉटन के निर्यात को लेकर, कि कॉटन का जो निर्यात है अगर वो एक्सेस अमाउंट है तो ही इसका निर्यात होना चाहिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कॉटन के जो दाम है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, कॉटन में जिस हिसाब से तेजी आई है तो इससे तो ये तय ही माना जा रहा है कि स्विंग बढ़ेगी, लेकिन अगर स्विंग बढ़ भी गई तो क्या प्राइसेस तब भी ऐसे ही अट्रैक्टिव बने रहेंगे? क्या ऐसी संभावना है कि कॉटन 50,000 का भी आंकड़ा पार करके अब एक नया लेवल दिखाए? देखिए, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कॉटन ने 50,000 का स्तर जो है वो पार किया है और मई वायदा में 50,330 तक ऊपर में गया है, यानी कि 11 साल की अपनी ऊंचाई पर कॉटन पहुंचा है। और जैसा कि अभी खबरें भी निकल कर आ रही है कि 1 जून से चाइना जो है वो लॉकडाउन हटा रहा है और जिसके चलते जो है फिर एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो पिकअप हो सकते हैं। अभी पीछे हमने देखा था फैब्रिक का डिमांड जो है वो गिरा था चाइना की तरफ से, लेकिन अभी एक बार फिर से तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ वहां पर भी दिखाई दे सकता है। वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली थी, शायद कल थी या फिर मे बी आज होने वाली है। तो इस टेक्सटाइल के अंदर भी जो है जो एसोसिएशन जो है वो शामिल होंगी और उनका ये कहना है कि कॉटन एक्सपोर्ट पर इंडस्ट्री चाहती है कि बैन लगा दिया जाए, क्योंकि लगातार प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि सरकार ने कॉटन पर 5% कस्टम ड्यूटी और 5% टैक्स भी घटाया था। तो अभी जो सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है वो फिलहाल तेजी वाला ही है और अमेरिका में भी प्रोडक्शन लगातार घटता हुआ दिखाई दिया है, तकरीबन 10 लाख बेल्स के आसपास प्रोडक्शन घट चुका है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लगातार डिमांड काफी मजबूत बनी हुई है और सूखा भी देखने को मिला है काफी जगहों पर। तो अभी जो सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री डिमांड बनी है कि यहाँ से जो कॉटन के प्राइसेज है ऑलरेडी 50,000 के ऊपर निकल चुके हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से बैन लगाया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं है, अभी मीटिंग होनी है, उसके बाद अपडेट निकल कर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर कॉटन के प्राइसेज जो है वो एक बार लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से हमने गेहूं में देखा कि थोड़ा सा ठहराव आया, वैसे ही कॉटन में आ सकता है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल सपोर्टिव है, तो अगेन जो है वो डिमांड को मीट करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने ही पड़ेंगे। और उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मार्केट स्लिप करता दिखाई देगा। जब तक नई क्रॉप्स नहीं आ जाती तब तक जो है तेजी की तरफ मार्केट बना रह सकता है। जी, यही से रूपा जी, जहां पर हमने कॉटन में तेजी बनते देखी है, बिनौला खल में इसका उल्टा होता नजर आ रहा है। जो 2800-2900 का टारगेट था, लेवल था, वहां से बाजार अब 2700 के दायरे में आ गया है। रूपा जी, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि हाजिर में तो बिनौला खल की प्राइसेस 3000 से 4000 रुपए क्विंटल के बीच में, लेकिन वायदा में 2000 से 3000 के बीच में, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, वहां पर जो है खरीदार है, लेकिन यहाँ पर अभी खरीदारी भी नहीं देखने को मिली है। और ये जो है कह सकते हैं कि इसमें हेजिंग की स्थिति जो है वो भी नहीं अपडेट हो रही है। अभी जो मार्केट है वो काफी जो है कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। वायदा में जरूर तेजी है, 3200-3000 के ऊपर भाव, जबकि वायदा के अंदर हम देख रहे हैं कि जुलाई वायदा भी आप देखिए तो 2850 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन वायदे के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड पिकअप यहाँ पर जो है पोजिशनें बनती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्राइजेस लगातार नीचे हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो रेंज है वो 2700 से 3000 की ही देखने को मिल सकती है और अभी भी मार्केट जो है वो करेक्शन में है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, कैसे की बात करें तो कैस्टर फिर से रिवाइव होता हुआ नजर आया है। कैस्टर देख रहे हैं कि 7500 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, अब क्या कैस्टर सीड अब यहाँ से अगर 7500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो क्या अब 8000 की ओर जाने के लिए तैयार है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो है कि अगर 7500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो डेफिनेटली तेजी की तरफ जा सकता है और ऊपर में 8000 के स्तर संभव है, बन सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। पहले भी हमने देखा था कि 7500 तक के स्तर आए, उसके ऊपर 1000 ट्रेडिंग सेशन मार्केट रुका, अगेन जो है करेक्शन जबरदस्त देखने को मिली। सेम आगे हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो, लेकिन
अगर मार्केट रुक जाता है 7700 के ऊपर तो मार्केट से फिर आप मान सकते हैं 7700 से लेकर 8000 का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, मसालों में क्या लगता है आपको? मसालों के फंडामेंटल्स भी देख रहे हैं कि मजबूत ही हैं, लेकिन अब देख रहे हैं नरमी देखने को मिल रही है कुछ कुछ, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मसालों में खरीदारी करने का सही मौका है? देखिए बिल्कुल, जो नीचे लुढ़क रहे हैं मार्केट में, अभी तो देखिए थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है, जिस तरीके से गिरावट आती दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है कि अभी इसमें गिरावट कॉन्टिन्यूशन में आ सकती है। इसके दो ट्रेडिंग सेशन में भी ये वाला वीक गिरावट वाला रह सकता है। जीरा नीचे में 21,800 से 21,500 तक लुढ़क सकता है। और वहीं अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी में मैंने पहले भी टारगेट किया था कि नीचे में 7700 तक का मार्केट एक बार एक्सपेक्टेड आ सकता है। वहीं धनिया जो है, धनिया में मुझे बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है, 11,000-10,800 मैक्सिमम। और जो लोअर लेवल रहेगा 10,000 का ही सपोर्ट रहेगा, उसको ब्रेक करता है तो फिर धनिया भी पाली में जा सकता है। अदरवाइज नीचे में 10,800 के आसपास एक बार सबसे बाई की अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसको खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है कि मसालों में डिप पर बाई करना चाहिए और अभी के लिए शॉर्ट टर्म वैल्यू में दिखाई देखने को मिल सकती है। जी इसी के साथ रूपा जी, ग्वार गम ग्वार सीड में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो भी अभी भी अट्रैक्टिव बनी हुई है, लेकिन ग्वार गम ग्वार सीड का जो बाजार है वो थोड़ा सीमित दायरे में वाला देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी ये जो खरीदारी नहीं निकल रही है, इसके कारण क्या है? देखिए ग्वार में ऑलरेडी स्टॉक काफी है मार्केट के अंदर और लोगों ने होल्ड किया हुआ है, आप ये समझ के चलिए, और मार्केट में माल भी है, ऐसी बात नहीं है कि माल नहीं है, और स्टॉकिस्ट के पास जो है वो पोजीशन काफी देखने को भी मिली है। और अभी तक की जो सिनेरियो की बात की जाए तो पॉजिटिव है मार्केट और हमने तो बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं देखी है इसके अंदर। लेकिन हाँ, गम जो है अभी भी 10,000 के लेवल होल्ड किए हुए हैं, आज जरूर करेक्शन आ रही है तो ये उठा पटक है, और नीचे में एक्सपेक्टेड है 11,200 से 10,800 के स्तर ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं, और तीर भी नीचे में अगर लुढ़कती है तो 5,800 तक आ सकती है। लेकिन वो लेवल जो है अगेन बाइंग को अट्रैक्ट करते हैं और वहां पर बाइंग जो है हो सकता है कि बनती हुई दिखाई दे, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा सा करेक्शन बनता हुआ नजर आ। जी इसके साथ रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी हमने ठीक ठाक कीमतें बनती हुई देखी हैं। अब यूएस सोयाबीन देख रहे हैं $1,677 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और जो स्विंग है इस बार भी तिलन फसलों की वो ज़्यादा बताई जा रही है कि इस बार ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि पहले के मुकाबले जो दाम है और जो डिमांड है वो कुछ बड़ी है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, अब सोयाबीन का बाजार कैसा रहेगा? देखिए सोयाबीन का मार्केट जो है वो स्टेबल है, अभी बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन वहीं गिरावट की भी उम्मीद बहुत कम है। थोड़ा बहुत जो मार्केट जो है वो करेक्शन में जरूर गया था, और अभी भी देखिए मुझे तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि अभी जो प्राइजेस हैं वो ऊपरी स्तरों पर बने रह सकते हैं। अगर देखिए सीपीओ का एक्सपोर्ट जो है वो बैन हुआ है, अगर वो खुल जाता है तो वहां पर एक थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो बनता हुआ प्राइजेस के ऊपर दिखाई दे सकता है, अदरवाइज तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि अप्रैल के महीने में भारत से ऑयल मिल यानी कि खल का जो तेल के खलों का जो निर्यात है तिलहन फसलों का, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और रूपा जी दूसरी तरफ जो सरकार है वो जीएम सोया मिल का आयात कर रही है पोल्ट्री के कहने पर, बचे हुए का जो पिछले साल बच गया था। रूपा जी अगर भारत में ही किल्लत होती तो एक्सपोर्ट ही नहीं किया जाता, अब यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है और एक्सपोर्ट के आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो रही है, तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि जो अपने पास खल की जो उपलब्धता है वो अच्छी खासी है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर हम आयात करेंगे और ज्यादा तो जो सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा? देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से दोहराइए रूपा जी, अप्रैल के महीने में सोया खल हुआ जी या जितने भी खल हुए उनके एक्सपोर्ट यानी निर्यात में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी तरफ सरकार ने जीएम सोया मिल का इंपोर्ट किया है पोल्ट्री के कहने पर, जो पिछले साल का बचा हुआ कोटा था, तो आपको नहीं लगता कि निर्यात ज़्यादा हो रहा है खल का, उपलब्धता भी यानी ज़्यादा ही है, और उसके बावजूद भी जो आयात किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है?
देखिए अभी इसका मेरे पास कुछ खास ज्यादा अपडेट नहीं है, और अभी तक जो मार्केट को मैंने स्टडी किया है मेरे हिसाब से देखिए अगर इंपोर्ट किया भी जा रहा है और उधर से एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारे यहाँ पर जो डिमांड है वो उसको मीट कर पा रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई अच्छी खासी है, प्राइसेज यहाँ पर तेज होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं और एक्सपोर्ट भी कुछ बहुत ज्यादा फिलहाल पिकअप होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए खल में भी लगातार गिरावट है और जो ये 3000 का लेवल है ये भी जो हम हाजिर मंडी में देख रहे हैं 3000 से 3200 का लेवल, ये भी एक रीजनेबल लेवल है, कोई बहुत ज्यादा तेजी वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है और अभी इसका कोई इम्पैक्ट आता हुआ मार्केट पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा जी। इसी के साथ रूपा जी सरसों की बात करें तो सरसों में क्या लगता है आपको, क्या सरसों अभी भी आगे और तेजी के साथ बिकती नजर आएगी, क्या सरसों के दाम जो है अभी भी अट्रैक्टिव बने रहेंगे? देखिए अब बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं है मार्केट में, लेकिन देखिए गिरावट भी जैसा कि मैं लगातार बोलूँ की बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए स्टेबल रहेगा मार्केट, बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है जी। रूपा जी एग्री कमोडिटीज में आप टॉपिक से देना चाहेंगी? एग्री कमोडिटीज की अगर देखिए टॉपिक की बात करें तो आज गिरावट देखने को मिल रही है सभी मार्केट के अंदर, तो शॉर्ट टर्म रैली है, इंट्राडे प्योर इंट्राडे कॉल रहेगा तो उसमें दिवाली किया जा सकता है। मेरे हिसाब से आज ग्वार थोड़ा सा लुढ़क सकता है, 11400 से 11200 तक आ सकता है, वही जी हल्दी भी मुझे लग रहा है कि नीचे में 7800 तक जा सकता है, तो इनमें दिवाली करके चला जा सकता है जी। बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कहां पर कितने कमाई के मौके हैं, किस कम्युनिटी के अंदर, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।